सरकार द्वारा 25% बस किराए बढ़ोतरी करने के विरोध में जिला कांग्रेस हमीरपुर ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान विधायक राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया के अलावा युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर जल्द किराया बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा बस किराया बढ़ोतरी किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि 2018 में भी किराया बढ़ाया है और अब दोबारा बढ़ाया गया है, तो इससे आम जनता पर भारी बोझ बढ़ रहा है, तो डीजल और पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द बढ़ाए हुए बस किराए को वापस ले और जल्द सरकार नहीं मानी तो चक्का जाम तक करने से गुरेज नहीं करेंगे। और डीजल और पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ तो पहले हमने एजिटेशन कर चुके हैं, अब ये जो एजिटेशन है, ये हमने जो हाल ही में बस का किराया हिमाचल सरकार ने बढ़ाया है उसको वापस लेने के लिए हमने ये एजिटेशन किया आज का। ये हमारा आज का मुख्य विषय था कि जो किराया बढ़ोतरी हुई है, बार बार आपने 2018 में किराया बढ़ाया 25 से 30% तक, उस वक्त बढ़ाया 25% अब बढ़ा रहे हैं, और ये गरीब जनता और आम जनता कहाँ जाएगी, कैसे सफ़र करेगी, उनके पास गाड़ियां तो हैं नहीं। एक तरफ आप किराया बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ डीजल पे वेट ये कर रहे हैं और पेट्रोल पे कर रहे हैं, उससे महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो डीजल और पेट्रोल पे वेट उन्होंने इतना ज़्यादा रखा है, इसको वो वापस लें, और जो बस किराया बढ़ाया है उसको वापस लें। अगर वो वापस नहीं लेते हैं, आज हमने मुख्यमंत्री के नाम आज जो ज्ञापन है वो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से दिया है, अगर वो शीघ्र ही इसके ऊपर फैसला नहीं लेते हैं, बस किराया वापस नहीं लेते हैं, तो हमारा एजिटेशन चलता रहेगा, अग्रेसिव होगा। सड़कें रोकने की कोशिश करेंगे, ट्रैफिक रोक चक्का जाम करेंगे और चीजें करेंगे।